दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। क्यों होने वाली है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने YouTube चैनल पर सिर्फ 4 से 5 महीने काम किया और 4 से 5 महीने काम करके मैंने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवा लिया और अभी के टाइम में मैं अपने YouTube चैनल से अर्निंग भी कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर का ये सपना होता है और बहुत सारे यूट्यूबर का ये सपना टूट के चूर चूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट, सभी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर काम नहीं करते। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे यूट्यूबर डीमोटिवेट होकर अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर तरह तरह की गलती करते हैं जिससे उनके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता और उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता और उनके सारे के सारे सपने टूटकर चूर हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने YouTube चैनल को सिर्फ 4 से 5 महीने में मोनेटाइज करवा लिया था। आज की वीडियो अगर आप सीरियस होकर देख लेते हो, बिल्कुल एंड तक बिल्कुल सीरियस होकर देख लेते हो, तो आप भी अपने YouTube चैनल को 4 से 5 महीने में मोनेटाइज करवा लोगे और आप भी अपने YouTube चैनल से अर्निंग कर लोगे। तो चलिए मैं आप सभी को अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो आप एक बात नोटिस करना, जो मैं आज की वीडियो में बात बताऊंगा ना, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी कोई नया यूट्यूबर यूट्यूब पे चैनल बनाता है तो वो सबसे पहले यूट्यूब पे क्या सर्च करता है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले वो सर्च करता है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, उसके बाद सर्च करता है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करे, उसके बाद वो सर्च करता है कि यूट्यूब के लिए लोगो कैसे बनाए, बैनर कैसे बनाए। तो वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो सर्च करता है जिसमें मोबाइल में प्रैक्टिकल करके समझाया हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे जो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल समझाते हैं और उनकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं और उनकी वीडियो पे वॉच टाइम भी अच्छा मिलता है। तो ये बात नोटिस करना कि जब भी कोई नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है तो वो सबसे पहले इसी तरह की वीडियो सर्च करता है जिसमें प्रैक्टिकल करके मोबाइल में समझाया हो या फिर लैपटॉप में समझाया हो। आप अपने आप को ले लो, चाहे मेरे को ले लो, अगर मान लीजिए मैंने या फिर आपने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे वही सर्च करोगे जिस वीडियो में प्रैक्टिकल करके समझाया होगा मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, क्योंकि ऐसी वीडियो पर वॉच टाइम ज्यादा आता है। चलिए मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। ये वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया कि क्रिकेट कार्टून वीडियो कैसे बनाए और इस वीडियो का वॉच टाइम भी देख ले, इस वीडियो का वॉच टाइम भी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा वॉच टाइम मिला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मोबाइल में प्रैक्टिकल करके समझाया था एक एक चीज, इसलिए इस पे वॉच टाइम ज्यादा मिला। फिर यहाँ पर आप एक वीडियो और देख लो और इसका वॉच टाइम भी देख लो, इसमें भी मैंने प्रैक्टिकल करके समझाया था तभी इस वीडियो पे इतना ज्यादा वॉच टाइम मिला और यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल इस वीडियो में समझाया था। तो आप सभी ने एक बात नोटिस की कि अगर आप जब भी कोई YouTube पे नया चैनल बना के काम करो या फिर काफी टाइम से अगर आप अपने YouTube चैनल पे काम कर रहे हो तो आप अपनी वीडियो में अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल करके समझाओ, ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड करो, क्योंकि इन वीडियो पे आपको ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा और अगर आप अपनी वीडियो में अच्छे से समझाओगे तो अगर ऑडियंस को, व्यूअर्स को आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वो सोचेगा कि इस चैनल पे कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएगा। दोस्तों वो सब्सक्राइब करके भी जाएगा। तो यही चीज मैं आप सभी को समझाना चाहता था कि भाई आप अपने YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो बना के बिल्कुल भी अपलोड मत करो कि जिसमें आप बता रहे हो कि व्यूज कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। जब तक खुद आपके YouTube चैनल पर व्यूज नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो ऑडियंस क्यों आपके वीडियो पे विश्वास करेगी? तो वो आपकी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करती, जिससे आपकी वीडियो पे वॉच टाइम नहीं मिलता और आप जो है मेहनत करते रहते हो और आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी वीडियो प्रैक्टिकल करके समझाई अपने YouTube चैनल पर, आप जाके देख लेना मेरे YouTube चैनल पर, तभी मेरे YouTube चैनल पर 4 से 5 महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है दोस्तों जो मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस बताया अपने YouTube चैनल पर, तो 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।